ये माइलेज भी देगा, परफॉर्मेंस भी देगा। हेलो एवरीवन, तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छी होंगे। आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे आज का वीडियो होने वाला है कुछ दमदार। तो बहुत दिन से मैं कैमरा का सामने नहीं आया हूँ, तो आज कैमरा का सामने मैं आया हूँ तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है। तो मेरा कुछ गलती हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो आज हम दिखाने वाले है ये जो पीछे देख पा रहे हो सुपर स्प्लेंडर, ये BS6 मॉडल एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में है। बहुत सारे बंदे ने रिक्वेस्ट किया था भाई सुपर स्प्लेंडर का एक टॉप स्पीड का वीडियो बना दो, उनका रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए ये वीडियो अगर आप सभी का अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। तो इसमें आज टॉप स्पीड चेक करेंगे, पार गियर जो टॉप एंड होता है वही चेक करेंगे। तो पहले बाइक को आपको दिखा देता हूँ, आप देखिए। तो आप देख पा रहे हो आपके सामने खड़ा है ब्रांड न्यू कंडीशन में सुपर स्प्लेंडर जो कि BS6 मॉडल है। ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है। तो इसमें पार गियर टॉप कितना जाता है वही मैं आज चेक करके बोलूंगा। तो आप देख सकते हो बाइक का कंडीशन एकदम ब्रांड न्यू है। तो ठीक है, चलिए डायरेक्ट रोड पे मिलते हैं। तो रोड में जाके इनका पहले ब्रेक टेस्ट करूंगा, उसके बाद ही भगाऊंगा भाई। तो देखो क्या होता है। अभी फुल टैंक तेल है, थोड़ा बाइक का वेट भी थोड़ा ज़्यादा है और मेरा वेट भी 82 kg है। तो भाई टॉप स्पीड में वेट बहुत ही मायने रखता है, ठीक है। तो अभी मैं पार गियर टॉप एंड नहीं चेक करूंगा, अभी बाइक को थोड़ा चलाऊंगा उसके बाद ही ये टेस्ट करूंगा। अगर बाइक का जो हलचल है वो पहले जान लेते हैं क्योंकि नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मैं तो ये बाइक के साथ एडजस्ट नहीं हुआ हूँ तो थोड़ा चलाने के बाद ही मैं जान जाऊंगा। ब्रेक टेक तो ठीक ठाक ही है, ड्रम ब्रेक है, डिस नहीं है। तो चलो थोड़ा फ्रीली चला लेते हैं। भाई बाइक तो बहुत स्टेबल बाइक है, आप देख सकते हो बहुत ही स्टेबल बाइक है। तो थोड़ा देख लेते हैं बाइक का हालचाल। तो रोड में थोड़ा जैम भी है, आप देख सकते हो। इधर में ही मैं टॉप एंड चेक करूंगा, तो थोड़ा रिस्की है तो देखते हैं क्या होता है। सब कुछ ठीक ठाक है। बाइक को मैं एक नंबर पे डाल दिया है, तो देखते हैं एक नंबर पे कितना जाता है। फोर्टी के लगभग कुछ पास। सेकेंड गियर में आप देख सकते हो 60, थर्ड गियर में देखते हैं 80, फोर्थ गियर में देखते हैं फोर्थ गियर में ही अब देखो 100 के थोड़ा नीचे है। अभी फिफ्थ दे दिया, फिफ्थ गियर में आप देख सकते हो 110 के ऊपर जा रहा है फिफ्थ गियर में। ओ भाई थोड़ा जैम आ गया, कोई बात नहीं, चलो मैं फिर से फोर्थ गियर डाल दिया है। अभी फोर्थ गियर पे ही है, अभी फिफ्थ गियर डाल दिया मैंने, देखते फिफ्थ गियर पे कितना जा रहा है भाई। तो सामने देख पा रहे थोड़ा जैम आ गया है,
तो फिफ्थ गियर पे अभी टॉप एंड नहीं दिखा पा रहा हूँ, थोड़ा वेट करो वो भी दिख जाएगा। बाइक तो बहुत स्टेबल बाइक है भाई, आप देख सकते हो। थोड़ा जैम आ गया है तो जैम को क्रॉस कर लेते हैं पहले। ये जैम को थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं उनके बाद ही भाई चलो। अभी रोड खाली है, अभी है चार नंबर पे 100 जा रहा है, 5 नंबर डाल दिया, देखते हैं। थोड़ा ऊंचा है, ऊंचाई पे उठ रहा है भाई। आप मानो 110 जा रहा है, ठीक है। ये देखो जा रहा है भाई, और एक बार टेस्ट करूंगा। तो फिर से एक बार ट्राई करते हैं पार गियर टॉप एंड, और एक बार देख लेते हैं, ठीक है। बाइक एक नंबर गियर पे है, देखते हैं। 40 जा रहा है, सेकेंड गियर में आप देखो 60 के थोड़ा ऊपर है, थर्ड गियर पे 80 के थोड़ा ऊपर, फोर्थ गियर पे देखो 4 गियर पे पूरा 100 ही है। आप फिफ्थ डाल दिया, फोर्थ गियर में फिर से डाल दिया, 100 जा रहा है। अभी फिफ्थ गियर दे दिया, देखते हैं। फिफ्थ गियर पे भी 110 ही जा रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये आराम से आप स्पीड उठा सकते हो, इसमें 110 जा रहा है। ये बहुत ही लाजवाब बाइक है, आप ये ले सकते हो, बहुत ही स्टेबल बाइक है भाई। 125 सीसी में 110, और क्या चाहिए भाई। ये माइलेज भी देगा, परफॉर्मेंस भी देगा, और भाई कंफर्ट भी देगा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आप आराम से देखो कितना प्यार से स्पीड पकड़ रहा है, देखो देखा, अभी 4 नंबर दे दिया है, देखो कितना प्यार से स्पीड पकड़ रहा है। ये देखो आराम से जा रहा है, देखो 5 नंबर डाल दिया। तो गाइज ये बाइक आप ले सकते हो, बहुत ही लाजवाब है। तो गाइज ये वीडियो आप सभी को कैसे लगा वो कमेंट करके जरूर बोलना। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना, आपका एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और ये सारा वीडियो बनाने में जोश आ जाता है भाई। तो आप प्लीज एक लाइक कर देना अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो गाइज मेरे ये चैनल पे आपको बाइक मॉडिफिकेशन, बाइक नया बाइक रिव्यू, बाइक का टॉप पेंट,
छोटा मोटा ड्रैग रेस सब कुछ देखने को मिलेगा और टूरिंग पर्पस का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग आपको बाइक रिलेटेड सब कुछ मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो जाओ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है वो जोर से हिट कर देना गाइस। मेरा चैनल का नाम याद है AS Vlogs DNK। तो ठीक है गाइस, ये ब्लॉग यही पे एंड करते, बहुत जल्द मिलेंगे कोई धमाकेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।